जो सरकार है वो कानून व्यवस्था बना रहे इसके लिए जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जघन्य अपराधी काउंटर में उनका काउंटर हुआ है, उनसे मुठभेड़ हुई है और कई दुर्दांत अपराधी मारे भी गए हैं। सरकार पूरी तरीके से चौकन्नी है, सभी जाति सभी धर्म के लिए एक सा व्यवहार और कार्य हो और कानून व्यवस्था किसी भी कीमत पर बनी रहे, ये सरकार की प्राथमिकता है और वो सभी क्षेत्रों में। देखिए, कानून अपना काम करता है और कानून के अंतर्गत जो भी चीज़ें होती हैं उसके लिए अवसर होता है लोगों के पास कि वो अपनी जांच के समय अपनी बात अपना तथ्य सामने रख सके, किसी का कोई उत्पीड़न ना हो और सबके साथ समान व्यवहार हो, ये सरकार की प्राथमिकता है। अभी अलग बात है कि 400 करोड़ रुपए के प्लाट की कीमत निकले किसी की, तो उसमें सरकार का दोष नहीं है, व्यक्ति का दोष है जिसने इतनी बड़ी अकूट संपत्ति का अर्जन किया है। मैंने कहा ना कि राजनीति के लिए राजनीतिक इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में भी राजनीतिक लाभ तलाशने वाले लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि जनता ने अभी उनको नकारा है लोकसभा के चुनाव में और जनता का नकारने के बाद उसे सबक नहीं लिया है लोगों ने, और राजनीतिक लाभ की दृष्टि से वो किसी प्रकार का समाज का विग्रह करने के लिए तैयार रहते हैं। सोनभद्र की घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ पर उच्च अधिकारियों को भी सस्पेंड किया गया है, कई की अभी जांच 10 दिन के अंदर आनी है। 1955 से ये घटना है जब दलित और आदिवासियों की जमीन जो जोतते थे ग्राम सभा की जमीन को उसको लेकर ट्रस्ट बना दिया गया। 89 में कांग्रेस शासनकाल में ही इसे फिर से कुछ लोगों को दे दिया गया और बाद में इसको बेच दिया गया। तो इसकी जो भी घटना होगी सबकी जांच करेगी सरकार और जो भी सही सही होगा वो सामने आएगा। ये उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत दुरुस्त है और ये जो कुछ वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण घटित हुआ ये आपसी रंजिशों का दुष्परिणाम है। कभी कभी आपसी रंजिशों के मसले इसमें कब कहाँ फूट पड़े इसका आकलन नहीं हो पाता। आप इसको इस नज़रिए से देखिए कि वहाँ पर योगी जी की सरकार ने कितनी तत्परता से कार्रवाई की और रहा इन लोगों का उस पर, तो जिस तरह बंगाल में कृत्य हो रहे हैं उस तरह की परिस्थिति यहाँ नहीं है। यहाँ कहीं कोई संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं हो पा रहा है। सारे अपराधियों को या तो जेल में है या उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर है। यह व्यक्तिगत राग रंजिश और मनोविकृति से कोई दुर्भाग्यपूर्ण इतने बड़े राज्य में घटना हो रही है, हो गई कहीं उस पर सख्त कार्रवाई हो रही है। आजम खान पर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, 3 मुकदमे और हुए हैं। आजम खान पर कोई सरकार कार्रवाई थोड़े कर रही है। आजम खान का तो एक से एक उनके द्वारा किए गए अत्याचार, वहाँ की जनता निर्भय शासन पाई है और जनता अपनी कंप्लेन कर रही है। जो जनता देखती थी आजम खान किसी की भी जमीन हड़प लेते थे उसका FIR नहीं होता था, उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। आज योगी राज में चाहे भाजपा का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कांग्रेस का हो या कोई दबंग हो, कोई किसी गरीब को सता नहीं सकता। इसलिए जमीन के मुकदमे लोग लिख रहे हैं, सरकार उसे दर्ज कर रही है, जांच होगी, जो उचित होगा वो कार्रवाई।